हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं गई थी मार्केट और वहाँ से लाई हूँ आम अचार बनाने के लिए। देखिए गाइस, जो मैं कल आम के अचार में जो आम का अचार बनाने वाली थी, तो उसमें मैं डाली थी हल्दी और नमक। रात को डाल दी थी कि पानी छोड़ दे, और ये काफ़ी पानी छोड़ दिया है। ये देखिए, आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं, ये पानी छोड़ दिया है। और मैं इससे ना पानी को छान लेती हूँ, आम को दूसरा प्लेट में रख देती हूँ। इस तरीके से, और इसीलिए इसमें नमक और हल्दी डालते हैं कि जो भी जितना भी पानी छोड़ने को रहेगा वो छोड़ देगा पानी, ताकि मतलब आम का अचार में कभी फफूंदी ना लगे। नहीं तो पानी रह जाता है, तो इसी के वजह से आम का अचार खराब हो जाता है। तो पहले ही रात को मैं इसमें नमक और हल्दी डाल के रात भर भिगा के छोड़ दी थी, और सुबह अभी 9 बज रहा है, और मैं इसे छान कर और धूप में डालूंगी। तो जब धूप में डालूंगी तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सारा पानी है, आप लोग को रुके दिखाती हूँ। और ये जो पानी है ना, इसे फेंकना नहीं होता है। ये सब्जी उब्जी में भी पानी मतलब इसको डाल देंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, करेले की सब्जी में या कोई किसी भी सब्जी में, क्योंकि इसमें नमक और हल्दी होता है। तो मैं इसे ना कटोरी में रख लूँगी, और किसी चीज़ का सब्जी बनाऊँगी तो जैसे पानी डालते हैं सब्जी में ग्रेवी के लिए, तो इसी को डाल दूँगी। और इसमें आम का भी फ्लेवर होता है तो अच्छा लगता है सब्जी, और ज़्यादातर उसमें करेले की सब्जी में भी अच्छा लगता है। अगर करेला की सब्जी आप बना रहे हैं तो इस पानी को नहीं फेंकिए। देखिए कितना सारा पानी है, और मैं इसे फेंकूंगी नहीं, इसे रख दूंगी कटोरी में करके, और मैं जब सब्जी बनाऊंगी तो इसको डाल दूंगी सब्जी में। अगर करेले की सब्जी बनाऊंगी तो करेले में डालूंगी, और करेले में बहुत टेस्टी लगता है क्योंकि इस आम का फ्लेवर होता है। तो चलिए ठीक है, हम छत पे फिर मिलते हैं जब अचार डालेंगे। यहाँ पे देखिए गाइस, मैं छत पे आ गई हूँ आम लेकर, और यहाँ पे मैं कपड़े बिछा ली हूँ। एक दुपट्टा है, दुपट्टा भी बिछाई हूँ, और अगर आप चाहें तो मतलब पन्नी में भी बिछा सकते हैं, लेकिन कॉटन का मतलब कॉटन का सही होता है, कॉटन में मतलब जल्दी सूख जाता है, तो इसीलिए मैं दुपट्टे को बिछा ली हूँ। और एक एक करके मैं सारे आम को डाल दूँगी इस तरीके से। और ज़्यादा देर तक धूप में नहीं रखना है गाइस, कम से कम 2-3 घंटे रखना है, क्योंकि काफ़ी धूप है तो 2-3 घंटे रखना है। अभी तो धूप हो रहा है तो सही है, नहीं तो फिर बारिश होने लगेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं सोची कि अभी बना लेती हूँ आम का अचार। तो ठीक है, मैं सारे आम को डाल देती हूँ तो आप लोग को दिखाऊंगी। और धूप बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं सारे आम को डाल देती हूँ तो आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे मैं सारे आम को डाल दी हूँ इस तरीके से, दूर दूर पे डाली हूँ। और इस आम को इस तरीके से नहीं डालना है, आम को हमेशा सीधे डालना है कि जितना भी इसमें नमी है वो सारा सूख जाए धूप में, तो इसलिए इसे मतलब ऊपर करके डालते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं जब। फिर अभी आम का मसाला भी बनाना है, तो आम का मसाला बनाती हूँ तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे इसमें क्या क्या मसाले में पड़ेगा। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा, आप लोग को सारा कुछ दिखाऊंगी। तो मैं अचार के मसाले के लिए क्या क्या ले रही हूँ आप लोग को दिखाऊंगी। और मसाले को, कुछ मसाले को मैं खड़ा डालूंगी, कुछ मसाले को मैं पीस के दरदरा डालूंगी,
तो चलिए दिखाती हूँ कि कौन कौन से मैं मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैं पैन को रख दी हूँ गैस पे और पैन गरम हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी सौंफ। ये देखिए सौंफ है, बड़ा वाला सौंफ है, तो ये सौंफ डालूंगी। और ये मसाले में जो अभी डाल रही हूँ ये खड़ा ही डालूंगी, वही मसाला मैं डाल रही हूँ। और इसे ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ऐसा करना है कि मतलब ये हल्का सा गर्म हो जाए, मसाला में जो नमी है वो गर्म हो जाए बस, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए ये हो गया, और मैं ये पीली वाली राई डाल रही हूँ, खड़ा में डालूंगी। ज़्यादा इसको गर्म नहीं करना है सारे मसाले को, बस हल्का सा गर्म कर लेना है, जितना नमी है वो ख़त्म हो जाए। ये है मंगरेला, जिसको कलौंजी भी बोलते हैं। 2.5 किलो अचार है, उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ। ये मंगरेला हो गया, और यहीं पे मैं डालूंगी अजवाइन। पैन गरम है इसलिए जल्दी जल्दी गरम हो जा रहा है। फिर मैं पीस का डालने के लिए मैं डालूंगी सौंफ। मैं मसाला थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊंगी ताकि किसी भी अचार में और भी डालना हो तो मैं डाल लूंगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा ज़्यादा डाल रही हूँ और अपने हिसाब से मैं अचार में डालूंगी। ये सौंफ हो गया, और इसे ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का हल्का सा गर्म करना है। देखिए ये भी हो गया सौंफ भी,
इसमें मैं डाल दे रही हूँ लाल मिर्च। लाल मिर्च इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं तो पाउडर डालूंगी, लेकिन लाल मिर्च इसलिए डाल रही हूँ कि थोड़ा सा दरदरा कूटा हुआ, मेरे पास लाल मिर्च नहीं है तो ये थोड़ा सा दरदरा पीसूंगी ना मसाले को, तो इसीलिए। और ये है पीली वाली राई, और इसी में मैं डालूंगी काली वाली राई, सरसों राई नहीं सरसों मोटी वाली। और ये अजवाइन बस हो गया। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद। और यहीं पर मैं डालती हूँ जो मेथी, मेथी ज़्यादा नहीं डालूंगी थोड़ा ही डालूंगी। मेथी में थोड़ा टाइम लगता है गरम होने में क्योंकि ये मोटा मतलब होता है ना। अब मैं गैस को कर रही थी बंद, अब हो गया है मेथी भी। ये सब सारे मसाले को मैं पीस लूंगी, ये देखिए इतने सारे मसाले को मैं पीस लूंगी और इतने सारे मसाले को मैं खड़ा डालूंगी। तो चलिए ये ठंडा हो जाएगा तभी पीसूंगी, तो ये ठंडा हो जाता है तो फिर पीसूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैं पीसी। और इसको दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरे में पीसना है। तो चलिए ठीक है पीस कर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए गाइस मैं आम को ले ली हूँ और ये देखिए आम सूख चुका है, ज़्यादा भी नहीं सुखाई हूँ, मात्र 2 से 3 घंटे सुखाई हूँ क्योंकि ज़्यादा आम सूख जाने से फिर सही नहीं लगता। ये देखिए नमी बस इसमें का सुखाना होता है, और काफ़ी धूप था तो मैं 2-3 घंटे में फिर उठा ली थी। और मैं मसाले में और जो ये ऊपर का जो परत होता है ना पन्नी की तरह, मैं इसे उखाड़ ली हूँ। ये देखिए जो जो गुठली में था पन्नी जैसा, ये सूख के पन्नी की तरह हो गया था, तो मसाले में उखाड़ ली हूँ, उखाड़ कर फेंक दी। और यहाँ पे मैं मसाले में जो मसालों को मैं गर्म की थी वो मसाले को पीस ली हूँ। ये देखिए दरदरा है,
दरदरा पीसी हूँ, ज़्यादा पतला में बारीक नहीं पीसना था। और यहाँ पे ये खड़ा मसाला है जो मैं गरम की थी, तो ये खड़े मसाले को मैं डाल देती हूँ इसमें। और यहाँ पे ये पिसा हुआ सारा मसाला नहीं डालूंगी मैं, मसाला और बना के रख ली हूँ कि किसी चीज़ का और चीज़ का बनाऊंगी अचार तो उसमें डालने के लिए, तो मैं हिसाब से ही डालूंगी अंदाज से। कम पड़ेगा तो फिर ले लूँगी। और इसमें हल्दी थोड़ा ही हल्दी डालेंगे क्योंकि मैं पहले भी हल्दी डाल चुकी थी इसलिए। और यहाँ पे ये मिर्च पाउडर है, लाल वाला है, आप चाहे तो देगी मिर्च भी डाल सकते हैं लाल करने के लिए, मेरे पास अभी नहीं है तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। आप अपने अनुसार तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नमक है, अचार में तो नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, मैं पहले भी डाली थी सुखाते टाइम और फिर अब भी डाल रही हूँ। और ये सरसों तेल है जो मैं इसे गरम करके नहीं डालूँगी, ये ऑलरेडी खुद गरम करके ही बनाया जाता है तो इसलिए मैं गरम करके नहीं डालती हूँ, मैं ऐसे ही डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा इसको धूप भी दिखाना है तो खुद गर्म हो जाएगा। कितने लोग गर्म करके डालते हैं तो मैं गर्म करके नहीं डालती। और इसे अच्छे से मिला लेंगे, मैं चम्मच से मिला रही हूँ, हाथ से मिर्ची लगता है इसलिए मैं चम्मच से मिला रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि कम है मसाला तो फिर मैं और मसाला डालूंगी। इसे बहुत अच्छे से मिलाना है, हाथ से बहुत अच्छे से मिलता है, मैं हाथ से नहीं मिला रही हूँ क्योंकि हाथ में बहुत तेज मेरे लगता है इसलिए मैं हाथ से नहीं चम्मच से मिला रही हूँ। इसमें थोड़ा और मसाला डालेंगे क्योंकि ना मसाला रहता है तो सही रहता है, क्योंकि कुछ भी बनाना हो ना तो मसाला इसमें से निकाल के बना लीजिए, सत्तू का पूड़ी या आलू का पूड़ी, तो इसीलिए मैं और थोड़ा मसाला डालूंगी। तेल और लगेगा तेल, फिर मैं बाद में भी तेल डालूंगी जब इसे बॉयन में भरूंगी ना, अभी मेरे पास कांच का बॉयन नहीं है तो मैं इसीलिए ना उसमें प्लास्टिक वाले में रख दूंगी, फिर बाद में मैं जब लाऊंगी तो कांच वाले में डाल के ना और फिर उस ऊपर से तेल डाल दूंगी, और जितना इसमें तेल रहेगा मतलब जल्दी अचार खराब नहीं होता है इसलिए तेल थोड़ा ज़्यादा ही डाला जाता है।
तो ये देखिए अचार बन के तैयार हो चुका है। मैं मसाले को अच्छे से मिला ली। अब मैं इसे बोयाम में, कांच के बोयाम में भर के रख दूंगी और थोड़ा सा तेल और भी डालूंगी। अभी तेल इसलिए नहीं डाल रही हूँ ताकि इसको रखने में फिर दिक्कत होगा, तो मैं जब डब्बे में रख लूँगी बोयाम में कांच के तो फिर मैं ऊपर से तेल डालूँगी और फिर इसको थोड़ा सा धूप दिखाऊंगी बीच में। तो ये एकदम रेडी हो चुका है और ये अचार कभी ख़राब होने वाला नहीं है। मैं जब भी लगाती हूँ तो 2 साल 3 साल चल ही जाता है, तो ये ख़राब नहीं होता है। तो इसी तरीके से मैं लगाती हूँ और ये देखिए बहुत अच्छा खुशबू भी आ रहा है। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।